हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रवि और आप देख रहे हैं आरके इन्फोजोन, आपका अपना इन्फॉर्मेशन चैनल। दोस्तों सबसे पहले माफी चाहूंगा आप सभी से, क्योंकि काफी टाइम बाद आपके सामने मैं आया हूं और काफी टाइम से कोई वीडियो नहीं ला पाया हूं। बिजी था कुछ चीजों में, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक ऐसे फोन की क्विक अनबॉक्सिंग जो मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और काफी पसंद आया है मुझे वो फोन। मैं बात कर रहा हूं ASUS ZenFone Max Pro M1 की, और जो ये स्पेशल कलर मैं आपको दिखाने वाला हूँ अनबॉक्सिंग में, ये ब्लू वेरिएंट बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, और ये है 6GB के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और करते हैं ASUS ZenFone Max Pro M1 की एक क्विक अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये है ASUS ZenFone Max Pro M1 का बॉक्स। जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का बॉक्स है इसका, और पीछे दी गई हैं कुछ स्पेक्स। जैसा आप देख सकते हैं ये फ़ोन है 6GB रैम वेरियंट और यह है ब्लू कलर का। तो जल्दी से देखते हैं इस बॉक्स के कंटेंट्स। सबसे पहला हमें मिलता है इस बॉक्स के अंदर ये खूबसूरत ब्लू कलर का ASUS ZenFone Max Pro M1, साथ ही एक TPU केस, चार्जिंग केबल एंड अडेप्टर, यूजर मैनुअल्स और एक मैच बॉक्स जहां पर आप अपने फोन को रख कर यहां पर इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। So, ये सब हैं फोन के कंटेंट्स जो हमें मिले हैं बॉक्स के अंदर। अब चलिए देखते हैं फोन को। दोस्तों ये है ASUS ZenFone Max Pro M1 का ब्लू वेरिएंट जो कि है 6GB रैम के साथ और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ। देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है ये फोन, जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फोन है। नीचे की तरफ आपको दिया गया है चार्जिंग पॉइंट, स्पीकर और साथ ही 3.5mm का जैक आप देख सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनीज अभी भी 3.5mm का जैक दे रही है कुछ फोन्स में। और ऊपर की तरफ आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिया है, माइक्रोफोन है यहाँ पे, और आपके इस साइड में दिया है सिम ट्रे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर कीज़ और यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन। सो फोन दिखने में काफ़ी सॉलिड है, पकड़ने में आपको बहुत अच्छा फील आएगा। और यहाँ पर आपको दिया है एक फिंगरप्रिंट सेंसर। तो चलिए जल्दी से करता हूँ इस फ़ोन को ऑन और करता हूँ उसको सेटअप, और सेटअप करने के बाद आपसे जल्दी से मिलता हूँ। दोस्तों फ़ोन को कर लिया है मैंने पूरा सेटअप, और देख सकते हैं डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वाइब्रेंट है और व्यूइंग एंगल्स भी बहुत ही शानदार हैं फ़ोन के, आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस फ़ोन में जो आपको सिम स्लॉट दिया गया है उसमें आपको मिलते हैं 2 सिम लगाने के ऑप्शन, और साथ ही आप मेमोरी कार्ड लगा के मेमोरी एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ उस फ़ोन में मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें आपको दी गई है 5000 की एम्पियर की बैटरी और काफ़ी अच्छा बैकअप देगी आपको। और मैं आपको बताऊं इस फ़ोन से मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए हैं जो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा, और आपको सैम्पल्स भी शो करूंगा मैं इस फ़ोन के। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एंड्रॉयड वर्जन हमें कौन सा मिला है। तो अगर हम जाते हैं सेटिंग में, तो सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर हमें एंड्रॉयड वर्जन मिला है 8.1.0। बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम देखें अबाउट फ़ोन के अंदर, तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पैच लेवल जो है 1 अक्टूबर 2018, यानी ASUS काफ़ी काम कर रहा है अपडेट्स के ऊपर। और चलिए जल्दी से कुछ कैमरा सैम्पल्स भी देख लेते हैं इस फ़ोन से जो मैंने क्लिक किए हैं हाल ही में। सो ये कुछ फ़ोटो के सैम्पल्स हैं जो आपको दिखाऊंगा। ये फ्रंट कैमरे से मैंने क्लिक किया था पोर्ट्रेट मोड में, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है इसके अंदर। और कुछ और फोटोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने नाइट में क्लिक किया था, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक की, और आप ये देख सकते हैं ये इसके रियर कैमरे से मैंने फ़ोटो क्लिक की थी एक कॉफ़ी शॉप में। और देखिए आप ये फ्रंट कैमरे से क्लिक की गई फ़ोटो, और फोटो की क्वालिटी बहुत ही शानदार लग रही है। तो दोस्तों इस बजट में ये फ़ोन आता है आपका 6GB रैम वाला 15,000 रुपये में, 14,999, और ये मुझे मिला है फ्लिपकार्ट की डील में बहुत ही अच्छे प्राइस पे। तो अगर आप एक फ़ोन चाहते हैं जो आपको देख शानदार बैटरी बैकअप, अच्छा डिस्प्ले, अच्छी साउंड, तो आप ये फ़ोन कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपको एक बार इसमें साउंड भी सुनाता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, कोई भी वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसी है। तो चलिए एक सॉन्ग प्ले करते हैं और देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। मैं वीडियो को मैक्स पे कर देता हूँ। काली रेंज विच्चों राइना बैली तारदा, थोनू चेरा दिसदा नी साडा सजना।
आप लोग सुन सकते हैं, ये इस फोन का वॉल्यूम है और क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई इस फ़ोन की साउंड क्वालिटी। और आप देखते हैं वीडियो में कलर्स भी काफ़ी वाइब्रेंट हैं, काफ़ी अच्छे हैं, कलरफुल डिस्प्ले है काफ़ी। तो आपको ये फ़ोन ज़रूर पसंद आए अगर आप सोच रहे हैं एक अच्छा फ़ोन कम बजट में। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो Asus ZenFone Max Pro M1 के बारे में। और मुझे लगता है ये आपको फ़ोन काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, हैव अ वंडरफुल डे।